नमस्कार यूट्यूब मु शुभम आपन को स्वागत करुछी किछि नुआ कथारे। केवल भारत रे नुह सारा दुनिया रे केदारनाथ मंदिर को सबुठारु रहस्यमय मंदिर मानक मध्यरु गोटे बोली कुहा जाए। केदारनाथ मंदिर भारत रो उत्तर प्रदेश राज्य रो रुद्रप्रयाग नामक जिल्ला रे अवस्थित। भगवान शिवंकर एही मंदिर हिंदू धर्म रो सबु तीर्थस्थली मानक मध्यरे श्रेष्ठ बोली माना जाए। एवं एही मंदिर रो गोटे प्रचलित मान्यता एहा अछि जे जे भी एठाकु आसी भगवान कर दर्शन करि पारिछि सिए सतरे जणे भाग्यशाली मनुष्य होइथाय। काहिंकि ना मान्यता अनुसारे एही मंदिर पाखरे जाइ पहुँचिबाटा समस्तक भाग्य रे नथाए। किंतु सबुठारु रहस्यमय कथा तो एहा अटे जे केदारनाथ मंदिर को किए आउ केबे निर्माण करिछि एहा काहाकु मध्य जणा नाही। हेले पौराणिक ग्रंथ ओ शास्त्र रे केदारनाथ मंदिर को पांडव माने निर्माण करिछंती बोली कुहा जायछि। परंतु एबे पर्यंत एहार कोनोसी प्रमाण मिली नाही जे प्रकृतरे एही मंदिर को पांडव माने ही निर्माण करिछंती ना एहा पछरे आउ किछि रहस्य लुचि रहिछि। एही मंदिर रो रहस्य केवल एतिकि ही नुह, काहिंकि ना जदि आपण केदारनाथ मंदिर रो गठन को देखिबे ताहले आपण चिंता रे पड़ी जिबे। केदारनाथ मंदिर रे जेउ पत्थर गुड़िक लागिछि से सबु एते सठिक ओ इंटरलॉकिंग भाबरे लागिछि जे देखिले एमिति लागुछि मानो जेमिति मॉडर्न जुगर को इंजीनियर निर्माण करिछि। परंतु एमिति हबा तो असंभव अटे, काहिंकि ना एही मंदिर हजार हजार वर्ष पुरुणा अटे। आउ एही मंदिर को जेउ भी समय रे बना जाइथिबो सेही समय रे तो आज परी मॉडर्न टेक्नोलॉजी रो कोनोसी अस्तित्व ही नथिला। आउ एमिति रे बिना कोनोसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी रो सहाय्य रे एमितिका मंदिर निर्माण करिबा एहा कोनोसी चमत्कार ठारु कम नुहे। काहिंकि ना केते भी बड़ झड़ तूफान आसु एही मंदिर रो किछि भी क्षति हबो नाही। आउ एहार जीवित प्रमाण हेउछि 16 जून 2013 रे आसीथिबा भयंकर सुनामी, जेऊ सुनामी रे पूरा उत्तराखंड बुड़ी गला। आउ एपरी कि आजिर जमानार बड़ बड़ बिल्डिंग गुड़िक मध्य तासर घर परि भुसिली पड़िला। आउ अनेक घर तो पानी रे भासी गला, किंतु केदारनाथ मंदिर जेमितिका सेमिति ही अछि। आपण आज भी केदारनाथ मंदिर को सेमिति ही देखिबे जेमिति से हजार वर्ष पूर्वे थिला। एबे किछि लोक भाबुथिबे जे एथिरे कोन बड़ कथा रहिला, किंतु टिके रही जाओ एबे आपणकु जेऊ कथा कहिबी सेहा सुनी आपण चकित होइ पारंते। काहिंकि ना सेही बन्या समय रे चारियाडे केवल पाणी ही थिला। आउ केदारनाथ मंदिर मध्य पाणी रे बुडी जाइथिला, किंतु हठात गोटे बड़ पत्थर मंदिर पछरे आसी अटकी गला। आउ जेऊ बन्या पाणी मंदिर को नष्ट करिबा पई आगो को बढ़ुथिला सेहाकु चमत्कार भाबे एही पत्थर दुई भाग रे बांटी देला, जहा द्वारा मंदिर संपूर्ण भाव रे सुरक्षित रहिगला। एमिति रे सबुठु बड़ प्रश्न एहा आसुछि जे जेबे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एवं बड़ बड़ पत्थर सहाय्य रे बना जाइथिबा बिल्डिंग गुड़िक एते बड़ बन्या को संभाली पारिलेनी आउ पानी रे भासी गले, ताहले केदारनाथ मंदिर मध्य नष्ट होइजिबा कथा। एबे आपण जहा भी कहंतु जेबे बन्या सबु किछि को नष्ट करूथिला सेबे एही पत्थर आसी मंदिर को रक्षा करि देला। एही घटना परठु लोकमानकु एहा अनुभव हेला जे सतरे सेमाने जेउ मंदिर को दर्शन करिबा पई दूररु आसुछंती सेही मंदिर प्रकृतरे बहुत रहस्यमय आउ चमत्कारी अटे। आउ एही कारण अटे जेउथि पई सारा भारतरे केदारनाथ मंदिर को सबुठारु पवित्र स्थान मानक मध्यरु गोटे बोली मानंती। एबे आपण माने एहा जानिछंती जे केदारनाथ मंदिर 6 मास खोला रुहे आउ 6 मास बंद रुहे, किंतु सबुठारु आश्चर्य घटना तो सेबे घटे जेबे एही मंदिर 6 मास बंद रुहे, जहा विषय सुनी आपण चकित होइ परंती। आउ सेही आश्चर्य घटना को सेठाकर लोक माने मध्य अनुभव करुछंती। प्रकृतरे केदारनाथ मंदिर पाखरे रहुथिबा लोक माने एहा कुहंती जे जेबे एही मंदिर 6 मास बंद रुहे सेबे काहाकु मध्य मंदिर भितरे प्रवेश करिबा पई अनुमति दिया जाय नाही। से केते भी बड़ नेता होउना काहिंकि थरे जेबे एही मंदिर बंद हेइ जाए एहा परे सीधा 6 मास परे ही खोला जाए। आउ एही 6 मास रे मंदिरर कौनसी सफेई काम हुए नाही, एपरिकि मंदिर भितरे जेउ दीप जाळीबार प्रथा थाए सेहा मध्य को पुजारी जाई करे नाही। एहार माने 6 मास पर्यंत मंदिरर प्रवेश संपूर्ण भाबरे बंद करा जाए। आउ सेही मंदिर भितरे भोला बाबांक व्यतीत आउ केही मध्य नथांती, काहिंकि ना जेबे मंदिर थरे बंद हुए ताहले सीधा 6 मास परे ही खोली थाए। किंतु जेबे 6 मास परे मंदिरर द्वार खोले सेबे भक्त माने देखंती जे
ଏବେ ବି ସେହି ଦୀପ ଜଳଚଳ ହେଇ ଚଳୁଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଘରକୁ 6 ମାସ ତ କ'ଣ 6 ଦିନ ପାଇଁ ବି ବନ୍ଦ କରି କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯିବେ, ତାହେଲେ ଧୂଳି ମାଟି ପକଜକ ଘରେ ଭରି ହେଇଯିବେ। ମାନେ ଯେମିତି ଆପଣ ନିଜ ଘରକୁ ବନ୍ଦ କରି ଯାଇଥିବେ ସେହା ସେମିତି ଆଉ ଜମା ବି ନଥିବ। ଆପଣ ଘରକୁ ଖୋଲା ରଖନ୍ତୁ ଅବା ବନ୍ଦ, ଯଦି ସଫା ସୁତୁରା ନ କରିବେ ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତି ଯେ କୌଣସି ଭାବରେ ବି ସେହା ଉପରେ ନିଜର କବ୍ଜା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ। ସେ ଧୂଳି ଧୂସର ରୂପରେ ହେଉ ଅବା ଛୋଟ ମୋଟ ପକଜକ ରୂପରେ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଚଲାଇବା ବାଲା ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାନାଥ ରହୁଥିବେ ସେଠି ପ୍ରକୃତି ଭଲା କ'ଣ କରିପାରିବ। ପୁରା 6 ମାସ ପରେ ଯେବେ କେଦାରନାଥର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଥାଏ ସେବେ ସେହା ବିଲକୁଲ ବି ଅଳିଆ ହୋଇନଥାଏ। ସେହା ବନ୍ଦ ହେବା ଆଗରୁ ଯେମିତି ସଫା ଥାଏ ଖୋଲିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ହିଁ ଥାଏ। ଚାଲ, କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଏହା ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ କଥା ଲାଗୁଥିବ, କିନ୍ତୁ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନା କାହା ସାହାରାରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସେହି ଦୀପ ଜଳିବାଟା ସତରେ କୌଣସି ଚମତ୍କାର ଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ଏପରିକି ଲୋକମାନେ ଏହା ମାନନ୍ତି ଯେ ଯେବେ 6 ମାସ ମନ୍ଦିର ଖୋଲା ରୁହେ ସେବେ ମଣିଷମାନେ ଭୋଳାନାଥଙ୍କ ପୂଜା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେବେ 6 ମାସ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ରୁହେ ସେବେ ଅନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀମାନେ ଆସି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତି। ଆଉ ଏହାର ପ୍ରମାଣ ସେହି ଜଳୁଥିବା ଦୀପ ଜଳଜଳ ହେଇଦିଏ। ନଚେତ୍ ଆପଣ କେବେ ଏମିତି କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି କି ଗୋଟେ ଦୀପ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଜଳୁଛି, ଲିଭିବାର ଜମା ନା ହିଁ ନେଉନି? ସତରେ ଏମିତି ଚମତ୍କାର କେବଳ ବାବା ଭୋଳାନାଥଙ୍କ ଧାମରେ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଏ ଯେ କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅସୀମ ଶକ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି। ଆଉ ଏହି କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଗୋଟେ ରହସ୍ୟମୟ ଓ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ବୋଲି ମାନନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଆସ୍ଥା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସତରେ ସେହା ଅଦ୍ଭୁତ ଅଟେ। କାହିଁକି ନା ଏହି ମନ୍ଦିର ନିଜେ ବହୁତ ଅଦ୍ଭୁତ ଅଟେ। ବାକି ଆପଣ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ କେତେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତି ତଳେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ, ତ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କର, ସେୟାର କର ଏବଂ ଏମିତି ହିଁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଘଣ୍ଟି ବି ଦବାଇ ଦିଅ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ଼ରେ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓକେ, ବାଏ।